हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज चैप्टर नंबर 4 इन आवर बुक्स इन आरबी त्रिपाठी एंड वी हैव टू सॉल्व द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन दिस चैप्टर। सो यहाँ पर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं, लेकिन आज हमें जो पढ़ना है या क्लास 12th में आपको जो पढ़ना होता है वो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको ये बात तो पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, कितने फंक्शंस होते हैं? 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फंक्शंस कहलाते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो उसमें हमारे पास साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स एक्स होता है और कॉट इनवर्स एक्स होता है। लेकिन ये सभी हम लोग इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जरूर बोलते हैं, लेकिन इनकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिसके बीच में ही ये फंक्शन होते हैं। मतलब जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सारे वैल्यूज के लिए फंक्शंस कहलाते हैं, सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शंस होते हैं। लेकिन अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करता हूं तो ये सारी वैल्यू के लिए फंक्शंस नहीं होते, मतलब इनकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिस रेंज में ये फंक्शन कहलाते हैं। अगर ये उस रेंज से बाहर चले जाए तो ये फंक्शन नहीं कहलाएंगे। तो यहां पर मैंने आपके सामने एक टेबल बना रखी है, इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कितनी बार आपको डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन देकर उनकी रेंज पूछ ली जाती है, ऑब्जेक्ट जो उसके ऑप्शन होते हैं उसके अंदर। और अगर आपने ये ऑप्शन अच्छे से याद कर रखे हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपको केवल टिक करना होता है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये टेबल में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो देखिए, साइन इनवर्स एक्स जो है, हम लोग साइन इनवर्स की कोई सी भी वैल्यू, साइन एक्स की कोई सी भी वैल्यू रख दे तो साइन एक्स की कोई सी भी वैल्यू के लिए साइन एक्स क्या होता है? फंक्शन होता है। लेकिन अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स केवल -π/2 से लेकर +π/2 तक ही क्या होता है? फंक्शन कहलाता है। अगर वो -π/2 से कोई छोटी वैल्यू या π/2 से कोई बड़ी वैल्यू अगर हमने रख दी तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मीनिंग भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि यहाँ पर इनके बीच की वैल्यू तो इंक्लूडेड है ही, साथ में -π/2 और +π/2 भी इंक्लूडेड है। मतलब ये दोनों वैल्यू प्लस इनके बीच की वैल्यू, ये सारी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? हमारे इस फंक्शन के लिए, इनवर्स साइन इनवर्स फंक्शन के लिए इंक्लूड करते हैं। अब कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन कहलाता है किस रेंज के बीच में? 0 और π के बीच में, इवन इंक्लूडेड 0 एंड π। तो 0 और π भी इंक्लूडेड है और इनके बीच की वैल्यू के लिए भी कॉस इनवर्स एक्स क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। फिर बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की, तो टेन इनवर्स एक्स -π/2 से +π/2 तक क्या कहलाता है? एक फंक्शन कहलाता है। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, केवल इनके बीच की वैल्यू के लिए ही ये क्या होता है? फंक्शन कहलाता है। अभी दोनों वैल्यू इंक्लूडेड क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए टेन π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, -π/2 की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इन्फिनिटी अगर आ जाएगी तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सीधा सा कंसेप्ट है कि इन दोनों वैल्यू के लिए टेन इनवर्स फंक्शन नहीं होता, इनसे बड़ी वैल्यू के लिए टेन इनवर्स फंक्शन नहीं होता, लेकिन इन दोनों के बीच की वैल्यू के लिए टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? फंक्शन होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज सेम यही होती है, बस इसमें एक इनके बीच में 0 आता है, उस 0 को भी एक्सक्लूड किया जाता है। एक्सक्लूड किया जाता है मतलब 0 के लिए ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब -π/2 से लेकर +π/2 तक कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन होगा, लेकिन इनके बीच में 0 आता है तो वो 0 के लिए भी ये फंक्शन नहीं होता। इसलिए 0 को अलग माइनस करके लिखा है कि इस -π/2 +π/2 इंक्लूडेड अमंग दिस वैल्यूज के लिए फंक्शन है, लेकिन इसके बीच में 0 है, 0 के लिए भी ये फंक्शन नहीं है, इसलिए 0 को अपन ने अलग से माइनस करके लिखा है। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो सेक इनवर्स एक्स भी फंक्शन होता है, 0 से लेकर π तक सेम इंटरवल है, लेकिन इसमें -π/2, इनके बीच में क्या आता है?
जीरो से पाई के बीच में पाई बाय टू आता है, और पाई बाय टू एक ऐसी वैल्यू होती है जहां पर सेम इनवर्स एक्स फंक्शन नहीं रहता, इसलिए हमने पाई बाय टू को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया है। और लास्ट होता है कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स फिर होता है जीरो से पाई, इसकी रेंज और इसकी, ये ओपन इंटरवल में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जीरो और पाई इंक्लूडेड नहीं है, केवल इनके बीच की रेंज ही क्या होती है या इनके बीच की वैल्यू ही क्या होती है इसको फंक्शन बनाती है। इससे बड़ी वैल्यू या जीरो से छोटी वैल्यू के लिए कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन नहीं होता। तो आपको ये टेबल बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, इसकी आपको ऑब्जेक्टिव में जरूरत पड़ेगी, और अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आगे मैं आपको कुछ फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, छह फॉर्मूला है केवल, वो छह फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि हम लोग जब फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वो फॉर्मूले हेल्प करेंगे। वैसे वो फॉर्मूले होते हैं सेकंड एक्सरसाइज के लिए, लेकिन हम उनका यूज फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे। तो देखिए, अगर आपको कहीं दिख जाए साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर, मतलब माइनस का साइन कहां आएगा, आगे आ जाएगा। कैसे होता है मैं एक बार करके बता दूं, बाकी तो हम लोग फॉर्मूले लिखेंगे डायरेक्ट। तो ये कैसे हुआ इसको अपन प्रूव कर लेते हैं। माइनस एक्स के इक्वल में हमने मान लिया थीटा, ठीक है, तो साइन इनवर्स अगर उधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ये माइनस का साइन इसको दे दिया तो एक्स इक्वल टू जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि लास्ट ईयर आपने टेंथ सॉरी इलेवेंथ में पढ़ा होगा, या टेंथ या इलेवेंथ में पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा, ये टर्म आप पढ़ते हुए आएंगे, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, वो टर्म आपको पता है। तो अगर बाहर माइनस है तो क्या उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स इक्वल टू साइन माइनस थीटा। क्लियर है, अब ये साइन वापस इधर आ जाएगा तो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस का साइन इसको दे दो तो जाएगा साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब देखिए हम लोग ये लेके चले थे और हमारा ये आ गया, मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ, माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हुआ। इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोला कि अगर आपको कहीं पर साइन इनवर्स माइनस एक्स दिख जाए तो आप माइनस का साइन बाहर निकाल के रख सकते हैं। क्लियर है, तो होपफुली आपको ये मेथड समझ में आई होगी कि इसको हम लोग ऐसा कैसे लिख सकते हैं। मैं सभी के लिए प्रूव करके नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको मैंने तरीका बता दिया, आप सभी के लिए ऐसा प्रूव करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसमें पाई कैसे आ गया, तो आपने लास्ट ईयर इलेवेंथ में पढ़ा होगा कि कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, मतलब अगर कॉस के साथ माइनस का एंगल आ जाए तो वो कॉस एक्स ही कहलाता है ना, माइनस का साइन आते ही नहीं उसमें। तो अब इसको कैसे प्रूव करें, मैं इसको भी प्रूव करके बता देता हूं, लेकिन इसके बाद के जो चार होंगे उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी इन्हीं दो तरीके से हो जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हमने क्या माना थीटा, माइनस एक्स इक्वल टू जाएगा कॉस थीटा, फिर ये माइनस साइन उधर ले गए, एक्स इक्वल टू जाएगा माइनस कॉस थीटा, यहां आ जाएगा। अब एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए माइनस का कॉस थीटा तो माइनस साइन अंदर तो ले जा नहीं सकते क्योंकि वो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये माइनस साइन को हटाने के लिए क्या करें, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई माइनस थीटा। अब अगर मैंने इसको पाई माइनस थीटा निकाल तो ये माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और एक माइनस ऑलरेडी है, या अगर आपको नहीं क्लियर हुआ हो तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं माइनस माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, है ना, क्योंकि अगर मैंने थीटा को पाई माइनस थीटा लिखा तो एक माइनस का साइन जनरेट हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो एक्स इक्वल टू जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। क्लियर है, अब कॉस को अपन इधर ले आते हैं तो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा,
थीटा इधर आ जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो अब यहां पे देखिए हम लोग कॉस इनवर्स एक्स को माइनस एक्स को लेके चले थे थीटा, और थीटा इक्वल टू ये आ रहा है। मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर आपको दिखेगा तो उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना है। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको प्रूव करके बताया, बाकी के जो चार है टेन इनवर्स माइनस थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा और कॉट इनवर्स माइनस थीटा, वो इन दोनों के तरीके से हो जाएंगे। तो अब मैं उन दोनों बाकी के फॉर्मूले डायरेक्टली लिख रहा हूं और मैंने आपको इन दोनों को प्रूव करके बताया है कि किस प्रकार से ये वैल्यू बनती है। ठीक है, तो होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन डायरेक्ट फॉर्मूले लिखते हैं और फॉर्मूले लिखने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए क्या होगा, नेक्स्ट है हमारे पास टेन इनवर्स माइनस थीटा या माइनस एक्स, अगर हम एक्स लेके चल रहे थीटा या एक्स कुछ भी मान सकते हो, तो यह जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद होता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो जो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है ये भी कितना आ जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। इसके बाद हम लोग लेते हैं कॉट, तो जो सॉरी कॉट नहीं, या तो हम लोग पहले सेक ले लेते हैं, तो सेक लेंगे तो क्या होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और इसके बाद कॉट लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये छह फॉर्मूले आपको अभी फिलहाल याद करना है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले, वो हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको फॉर्मूले भी लिखाते जाऊंगा और बताते जाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको करने के लिए आप ये फॉर्मूले इसका हम लोग यूज करेंगे तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए और साथ में ये रेंज अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद है तो क्वेश्चन करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपके नंबर नहीं करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो पहली एक्सरसाइज है, इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन आते हैं वो टू मार्क्स के पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफी स्टूडेंट के गलत होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर अपने को फोकस करना जरूरी भी है। तो अब बात करते हैं अपन, ये वाला भी टॉपिक आपको समझना है, अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इसको अच्छे से याद करेगा, इसको अच्छे से याद करेगा तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कर पाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है साइन इनवर्स माइनस ए माइनस वन, एंड वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू। अब सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है, तो प्रिंसिपल वैल्यू इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द साइन अमॉन्ग द ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, मीन्स लिस्ट साइन इनवर्स एक्स जो हमारे पास है या साइन इनवर्स माइनस वन हमारे पास है, तो इसकी वो लिस्ट डिग्री में वैल्यू, जो इसकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल बताऊं कि मैंने लिखा यहां पर साइन मैंने लिखा यहां पर वन बाय रूट टू, तो वन बाय रूट टू साइन की टेबल में कहां कहां पे आता है, साइन 45 पे आता है, साइन 135 पे आता है ना, फिर साइन 405 पे भी आएगा है ना, और इस प्रकार से चलते ही आएगा। तो साइन 1 बाय रूट टू ये सारी वैल्यू पे आ रहा है, तो ये सारी वैल्यू क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल ब्रांच कहलाएगी, या जो हमारे पास रेंज होती है हम रेंज की बात करेंगे। ये तो फिलहाल साइन की वैल्यू, तो साइन के लिए तो ये सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये सारे फंक्शन होंगे ही सही। नहीं जब हम लोग इनवर्स की बात करते हैं तो इनवर्स में हमारे पास रेंज छोटी हो जाती है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई उसकी एक रेंज निकालना होती है और उसमें से सबसे लीस्ट वैल्यू जो होती है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है, तो उस प्रिंसिपल वैल्यू को ही हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो अपन देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस का साइन दिया है इसको बाहर निकालो, तो ये जाएगा माइनस साइन इनवर्स वन। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि साइन की टेबल में वन कब आता है, तो साइन की टेबल में वन आता है साइन पाई बाय टू में है ना,
और ये ध्यान रखिए पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू लिखा है तो ये फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा आपको पहले हमें ये जज करना है। तो पाई बाय टू साइन बस की वही देखिए पाई बाय टू इंक्लूडेड है, हाँ तो मतलब ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, ये तो ऑलरेडी फंक्शन होता है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय टू, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोली गई थी वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पाई बाय टू हो जाएगी। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इजी क्वेश्चन है मैं इसी के नीचे कर देता हूं। टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री, अब मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में तो यहां पे माइनस है नहीं तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, टेन इनवर्स टेन, टेन की टेबल में वन बाय रूट थ्री कब आता है, टेन की टेबल में वन बाय रूट थ्री आता है आपका थर्टी डिग्री पे मतलब पाई बाय सिक्स पर, तो मैं इसको लिख सकता हूं पाई बाय सिक्स। अब पहले ये देखिए कि पाई बाय सिक्स टेन की टेबल में आएगा कि नहीं मतलब रेंज में आएगा कि नहीं, तो यस पाई बाय सिक्स इन दोनों के बीच में आएगा तो मतलब ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है तो दोनों को कैंसिल किया जा सकता है आंसर हो जाएगा पाई बाय सिक्स। क्लियर, इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मेरे पास यहां पर है कॉसेक इनवर्स टू शायद माइनस टू, ये क्वेश्चन है मुझे इसको सॉल्व करना है तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो ये माइनस का साइन बाहर निकालो, अभी हमने देखा था कॉसेक इनवर्स माइनस टू या माइनस थीटा है तो माइनस का साइन बाहर आ जाता है तो इसको अपन क्या लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स टू। ठीक है, अब ये सोचिए कि कॉसेक की टेबल में टू कब आता है, कॉसेक की टेबल में टू आता है पाई बाय सिक्स से तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाय सिक्स, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, अगर आप लोग चेक करना चाहें कि पाई बाय सिक्स कॉसेक की रेंज में आता है कि नहीं, कैंसिल करने के पहले ये जरूर देख लीजिए कि ये रेंज में आता है या नहीं आता है, तो पाई बाय सिक्स कॉसेक के लिए देखना है कॉसेक की रेंज हमारे पास माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू है तो इसके बीच में पाई बाय सिक्स आएगा, इसलिए हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स को इस कॉसेक इनवर्स एक्स से कैंसिल कर सकते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाय सिक्स। क्लियर, अब अपन चलते हैं और आगे की क्वेश्चन की तरफ, देखिए अब मेरे पास ये क्वेश्चन है मुझे इसको सॉल्व करना है तो कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू, सबसे पहले माइनस के साइन को आप क्या करेंगे हटाएंगे, हमें यहाँ पे भी क्या फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू तो माइनस का साइन हटाएंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस का साइन अगर आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू, है ना। अभी इसके पहले जो फॉर्मूले मैंने लिखे थे मैंने आपको कहा भी था क्या याद कर लीजिए या उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो उसको इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू लिखेंगे, अब इसके बाद पाई एज इट इज माइनस कॉस इनवर्स, अब मुझे बताइए कि कॉस के टेबल में रूट थ्री बाय टू कब आता है तो कॉस के टेबल में रूट थ्री बाय टू आता है पाई बाय सिक्स पर तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कॉस पाई बाय सिक्स, अब आपने कॉस पाई बाय सिक्स लिखा तो पहले ये देख लीजिए कि कॉस की रेंज पाई बाय सिक्स है वो इस रेंज में है कि नहीं, होगा डेफिनेटली जीरो और ये होता है 180 और ये होता है 30 तो जीरो और 180 के बीच में 30 आएगा तो मतलब ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूं तो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय सिक्स और मेरा आंसर हो जाएगा फाइव पाई बाय सिक्स, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा फाइव पाई बाय सिक्स। अब उसकी बात करते हैं तो अगर मैं यहां पर कॉस इनवर्स कॉस टू पाई बाय थ्री लेके चल रहा हूं तो ये तो बहुत सिंपल हो गया कॉस से कॉस कैंसिल कर दो हमारा आंसर टू पाई बाय थ्री हो गया तो क्या ये सही होगा हाँ या ना ये आपको सोचना है। तो देखिए कॉस टू पाई बाय थ्री एक बार मैं जस्ट कर लू हाँ टू पाई बाय थ्री तो कॉस इनवर्स कॉस टू पाई बाय थ्री अगर मैं लेके चलता हूं तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा हमें ये सोचना पड़ेगा। तो 2 पाई बाय थ्री मतलब कितना होता है पाई बाय थ्री मतलब होता है 60, 60 इंटू टू मतलब होता है 120
तो 120 है अगर ये, तो 120 क्या इस रेंज में आता है, जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई मतलब होता है जीरो से 180, 180 के बीच में 120 आता है। और अगर ये 120 आता है मतलब ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, मैं दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ, मेरा आंसर हो जाएगा 2π/3। ठीक है, ये क्वेश्चन लेने का रीजन अभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको इससे कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो, 2π/3 और 2π/3 कितना हो जाएगा, 4π/3 हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया, है ना। नहीं, ये गलत है, ध्यान सुनना, ये गलत है। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि 2π/3 जो है 2π/3 कॉस की रेंज में आ रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो गए। लेकिन जब हम लोग साइन इनवर्स की बात करते हैं तो साइन में 120 इस रेंज में आएगा क्या? 120 इस रेंज में आ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 120 ऑब्वियस है कि π/2 से बड़ा होता है, π/2 मतलब होता है कितना, 90, और 2π/3 मतलब होता है 120। तो ये जो है ये इस रेंज में नहीं आएगा, तो यहां पर हम लोग साइन इनवर्स को फंक्शन नहीं मान सकते। और जब साइन इनवर्स फंक्शन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जब 2π/3 एलईडी आ जाएगा क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है, प्लस साइन इनवर्स इसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे छोटी वैल्यू में जो इसके बीच में आ जाए। तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन π/3। क्या 2π/3 को π/3 लिखा जा सकता है? यस, लिखा जा सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन, ये हो जाएगा कितना, साइन 180 - थीटा, कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, यहां पर आ जाएगा साइन π/3। अब क्या ये जो π/3 है वो इस रेंज में आ रहा है? यस, क्योंकि π/3 मतलब होता है 60, और यहां पर 60 - 90 और +90 के बीच में आएगा। तो मतलब अब ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2π/3 प्लस π/3 इक्वल टू 3π/3 इक्वल टू π। तो ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आप जो फंक्शन कैंसिल कर रहे हैं तो वो फंक्शन कैंसिल होने के पहले रेंज में है या नहीं है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है या आपको ये कंसेप्ट याद नहीं है जो कि 11th में पढ़ाया गया होगा आपको, तो फिर आपको क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो और टेबल याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टेबल याद होगी तो भी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को 3-4 चीजें इस चैप्टर के साथ याद करना है, एक तो ये रेंज, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी उस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है, कोशिश करिए 180 तक याद कर ले। फिर साथ में एक कंसेप्ट था जिसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं, चार क्वाड्रेंट में फिर हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू प्लस की होती है, कौन सी माइनस की होती है, और फिर इसको इस प्रकार से सॉल्व करना, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इस एक्सरसाइज में यही चीजें काम आएंगी। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और हम आगे जब पढ़ेंगे तो मैं आगे आपको और फॉर्मूले बताऊंगा, उन फॉर्मूलों को भी आपको याद करना है। टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज 4B। फॉर दिस एक्सरसाइज यू हैव टू लर्न सो मेनी फॉर्मुलेस। तो मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मुले लिखे हुए हैं, आपको इन सारे फॉर्मुलों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो आपको पता है जैसे हम लोग जब साइन एक्स को लिखते हैं तो अगर उसको कॉसेक में बदलना होता है तो हम लोग उसको लिखते हैं 1/cosec, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इनवर्स की बात करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स किसके इक्विवेलेंट होता है,
कॉसेक इनवर्स 1/x से, मतलब यहाँ पे 1 के अपॉन में कॉसेक नहीं आता, कॉसेक ऊपर ही रहता है, केवल जो एंगल होता है वो 1 के अपॉन में आ जाता है। तो इसको आपको इस प्रकार से याद रखना है, साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x, देन कॉसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x, सिमिलरली कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x, देन सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, देन कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो ये हमारे 6 बेसिक फॉर्मूले हुए जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चंस में। फिर ये 3 फॉर्मूले अपने आप में अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है, फॉर्मूले है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, पाई बाय 2। ये आपको याद रखना है, 10th क्लास में हमने फॉर्मूला याद किया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। लेकिन हम यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाय 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, पाई बाय 2। कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है, पाई बाय 2। ये फॉर्मूले केवल आपको क्वेश्चन करने में हेल्प नहीं करेंगे, ये फॉर्मूले आपको जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें भी काम आएंगे। तो इसलिए ये फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद करना जरूरी है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखे थे, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, याद है वो 6 फॉर्मूले लिखे थे अपन ने, उनको भी इसके साथ ऐड कर लीजिएगा और उसको भी साथ में याद रखिएगा। अब जो हमारा मेन फॉर्मूला है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो पूरे इन फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर आपको कहीं मिलता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो कैलकुलेशन होगा ये एंगल के बेसिस पर होगा, और एंगल कौन से होंगे, एक्स और वाई। अब सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां प्लस था तो यहां बीच में प्लस आया, यहां माइनस है तो यहां पर माइनस आएगा। तो आपको दो फॉर्मूले के बीच में रिलेशन बनाकर उनको याद करना है, तो जल्दी आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, अब देखिए यहाँ पे एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर साथ में है, फिर वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में है, तो कॉस में क्या होगा, एक्स वाई बिना रूट वाली टर्म एक साथ होगी और रूट वाली टर्म एक साथ होगी, मतलब लिखना ही इन्हीं को है यहाँ पे भी, लेकिन बस उनका फॉर्मेट बदल दिया है। अब और एक बात और ध्यान रखना है, कॉस के फॉर्मूले में अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर यह माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो ये 4 फॉर्मूला बहुत इजीली याद कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, आपने 11th क्लास में भी टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद किया हुआ है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद किया होगा, उन्हीं से ये फॉर्मूले जनरेट किए जाते हैं। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखिए यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, और अगर ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस आएगा, सेम यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दो फॉर्मूले के बीच में रिलेशन देखते हुए उनको याद करेंगे तो फॉर्मूले जल्दी से याद हो जाएंगे। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, अब ये कॉट है तो ये जो नीचे वाली टर्म होती है ये कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर यहाँ प्लस आ रहा था यहाँ माइनस आएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ 1 माइनस एक्स वाई था, यहाँ पे आएगा एक्स वाई माइनस 1, इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई लिख देते हैं उनका आंसर नेगेटिव आ जाता है, आंसर गलत आ जाता है। फिर कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1, और वाई माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई नहीं। ये दो फॉर्मूलों के ऊपर आपको थोड़ा स्पेसिफिक ध्यान देना है, अगर ये फॉर्मूला आप लोग लगाते हैं तो आपको y माइनस एक्स लिखना है और यहाँ पे एक्स वाई माइनस 1 लिखना है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z, अगर हमें 3 टेन इनवर्स दिए हुए हैं एक्स वाई जेड की टर्म में तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दो दो को एक साथ सॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे अपन इसमें का भी क्वेश्चन। फिर ये कुछ और फॉर्मूले है हमारे पास, 2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, एक ये वाला फॉर्मूला भी सबसे ज्यादा यूज होता है, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखिएगा 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं,
एक टेन की टर्म में है, एक साइन की टर्म में और एक कॉस की टर्म में। अब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर हमें टू टेन इनवर्स के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिया है और हमें जरूरत है कि हम उसको साइन में बदलें तो सीधा हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें टेन की टर्म में आंसर चाहिए तो हम ये वाला लगा देंगे, कॉस की टर्म में चाहिए तो ये वाला लगा देंगे। इसका एक क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे भी। तो टू टेन इनवर्स एक्स के तीन फॉर्मूले, टेन इनवर्स टू एक्स अकाउंट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स टू एक्स अकाउंट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अकाउंट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो सारे टू टाइम्स के फॉर्मूले हो गए, अब ये थ्री टाइम्स के। थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, थ्री कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, थ्री टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब में वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अगर आप इन फॉर्मूलो को ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं उन्हीं से इनको निकाला गया है। ठीक है, कभी अपने मौका मिलेगा तो मैं आपको इनको डिराइव करके बताऊंगा कि फॉर्मूले बनते गए थे। फिलहाल अभी आपके सिलेबस में भी नहीं है तो हम लोग इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमें फ्री टाइम मिला या कभी स्कूल में हमें मौका मिला तो मैं डेफिनेटली आपको इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, और ये फॉर्मूला अगर अच्छे से याद हो जाते हैं तो आपको आगे की एक्सरसाइज करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव प्लस साइन इनवर्स एट बाय सेवेंटी एंड वी हैव टू प्रूव साइन इनवर्स सेवेंटी सेवन बाय एटी फाइव। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ओवर हियर। द फॉर्मूला इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी फॉर्मूले की लिस्ट में आपने देखा, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे लिए एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स ये अपन ने एज इट इज लिखा यहां पे, इसके बाद एक्स की जगह आ जाएगा 3 बाय फाइव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की जगह आएगा 8 बाय सेवनटीन, क्योंकि ये मेरा वाई है और ये मेरा एक्स है, यहां आ जाएगा 8 बाय सेवनटीन का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह फिर आ जाएगा 8 बाय सेवनटीन और इस साइड आ जाएगा कितना 1 माइनस 3 बाय फाइव टू द पावर 2। देन साइन इनवर्स 3 बाय फाइव, नाउ वी विल सॉल्व दिस, 17 का स्क्वायर 289, 289 यहां पर आ जाएगा 289 माइनस 64 अपॉन 289 प्लस 8 बाय 17 अंडर रूट ऑफ 25, 25 इधर आ जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25 साइन इनवर्स 3 बाय 5 मल्टीप्लाई 289 माइनस 64 इट इज 225 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 5 एंड 1 15 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17। सिमिलरली 8 बाय 17 एंड द 25 माइनस 9 इज 16 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 and in the denominator we have under root of 25, it means 5 sin inverse 15 3 it's 45 upon 85 plus 32 upon 85 and at the last we have sin inverse 45 and 32 is 77 upon 85. So this is the answer what we want. देखिए यहां पर साइन इनवर्स 77 बाय 85 चाहिए था और ये हमारा आंसर आ गया। तो ओवरऑल ये जो क्वेश्चन है ये केवल आपके फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है
जो फॉर्मूले की लिस्ट आपने अभी देखी थी, जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखे थे, वो सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि उन फॉर्मूले के बिना ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। और काफी इजी एक्सरसाइज है, इसमें केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर निकालना है, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 16/65, कॉस इनवर्स 4/5। अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अगेन सेम फॉर्मूला वी कैन अप्लाई ओवर हियर, लेकिन हमें आंसर निकालना है कॉस इनवर्स, जबकि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर किसमें आएगा, साइन इनवर्स में। तो अपन एक काम करते हैं, फॉर्मूला तो यही अप्लाई करते हैं, इसका आंसर साइन इनवर्स में निकालते हैं और फिर इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे कि इसको कॉस में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला यही लगाते हैं, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। यह हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट ऑफ 1 - 16/65 का होल स्क्वायर प्लस, यहां प्लस है तो यहां प्लस आ जाएगा, 16/65 अंडर रूट ऑफ 1 - 5/13 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब साइन इनवर्स 5/13 एंड हियर 65, स्क्वायर ऑफ 65 इज 7, 6 = 42, 4, 2 = 5, सो 4, 2 = 5 माइनस 256/4, 2 = 5 प्लस 16/65 एंड अंडर रूट ऑफ 169 - 25/169। अब हमें केवल सॉल्व करना है, तो देखिए साइन इनवर्स 5/13 इधर हो जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ 15 - 6 - 9, 11 - 5 - 6, 3969। क्लियर, 3969। इसके बाद अपॉन में कितना आ जाएगा, 4225 प्लस 16/65 अंडर रूट ऑफ 144/169, साइन इनवर्स 5/13 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज 63 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4225 इज 65 प्लस 16/65 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13, सो द आंसर बिकम साइन इनवर्स। अब देखिए इसको हम लोग नीचे मल्टीप्लाई मत करिएगा, केवल ऊपर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 = 3315/13 × 65 प्लस 160 + 32 = 192 / 65 + 13। अब इसको मुझे सॉल्व करने के लिए इधर की जगह यूज करना होगी, तो देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स 315 and 192 मीन्स 7, 0 and 5, 5, 0, 7 अपॉन 13 × 65। अब देखिए यहां पे 13 है, 65 है, दोनों 13 के फैक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये भी 13 से डिवाइड होता होगा, तो इसको 13 से कैंसिल करिए, तो इट विल बी साइन इनवर्स 13 से अपन ने इसको किया तो जाएगा 3 × 11 = 9 अपॉन 65, अगेन 13/13 वी कैन डिवाइड, इट्स 3 एंड इट्स 5, सो दस वी गेट साइन इनवर्स 3/5, लेकिन हमें आंसर क्या लाना है, कॉस इनवर्स 4/5 लाना है। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए कि मैं किस प्रकार से कन्वर्ट कर रहा हूं,
है ना इतनी। अब मैं यहाँ पे जो स्टेप्स लिखूंगा वो सारे स्टेप्स आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, केवल आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, आप लोग उसको शॉर्टकट में यूज कर सकते। साइन के साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे परपेंडिकुलर 3, तो यहां पे 3 लिख दीजिए, हाइपोटेन्यूस इज 5, तो यहां 5 लिख दीजिए, इसमें पाइथागोरस लगाइए और पाइथागोरस लगा के क्या निकालेंगे अपन बेस। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी हो जाएगा 25, ए बी हो जाएगा 9 प्लस बी सी स्क्वायर एंड दिस इज 4 इक्वल टू बी सी, आ जाएगा 4। अब मुझे आंसर किसमें लिखना है, कॉस के टर्म में लिखना है, तो अपन यहां लिखेंगे कॉस इनवर्स, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, तो बेस कितना है 4 और एच कितना है 5, तो दिस इज आवर आंसर कॉस इनवर्स 4/5। ये जो मैंने किया है ये आपको रफ में करना है, ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, ये केवल अभी आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमारे पास 10 की टर्म में क्वेश्चन है और आंसर भी हमें 10 की टर्म में लाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 10 इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 अपॉन में 1 माइनस 1/7 मल्टीप्लाई 1/13 एंड 10 इनवर्स द एलसीएम ऑफ दिस इज 21/91 एंड 13 प्लस 7। साथ में हम लोग इसका एलसीएम यहां लेते हैं, इसको कैसे कॉल भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 91 और 91 माइनस 1 देन 10 इनवर्स ये हो जाएगा 20, ये दोनों आपस में कैंसल, ये हो जाएगा अपॉन 90, 0 से 0 कैंसल एंड इट इज 10 इनवर्स 2/9। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स 9 कॉसेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 41/4 इक्वल टू 5/4। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास ना तो कॉट का कोई फॉर्मूला है ना कॉसेक का कोई फॉर्मूला है, मुझे यहां पे इन दोनों टर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, टेन में या साइन में या कॉस में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेन के फॉर्मूले ज्यादा इजी होते हैं, आपने भी जो फॉर्मूले अपन ने लिखे थे उसमें भी देखे थे कि टेन के फॉर्मूले ज्यादा इजी होते हैं बजाय साइन या कॉस के, क्योंकि साइन और कॉस के फॉर्मूले में रूट आता है, तो हम लोग इनको किस में बदलेंगे 10 में, और फिर 10 के अंदर इसको बदलने के बाद इसमें हम लोग क्या लगाएंगे 10 के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉट इनवर्स 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 1/9 प्लस, अब कॉसेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 41/4 इसको हम लोग क्या लिखें। तो देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिखना बताऊं आपको, कॉसेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 41/4 मतलब कॉसेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन पी, ये हो गया एच, ये हो गया पी, वही तरीका जो भी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था, एच हो गया अंडर रूट ऑफ 41, पी हो गया आपका 4, तो बेस कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 41 का होल स्क्वायर सॉरी इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर प्लस इसको अपन ए बी सी नाम दे दें, तो ये हो जाएगा बीसी का होल स्क्वायर, 41 प्लस 7 मतलब 41 माइनस 16 इक्वल टू बीसी का होल स्क्वायर,
41 माइनस 16 हो जाएगा 5 इक्वल टू BC, मतलब देखा जाए तो यहां पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको 10 में बदलना है। तो अगर मुझे इसको 10 में बदलना है तो cosec को मैं क्या, मतलब यहां पे तो मैं लिखूंगा 10 ही, लेकिन 10 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर देगा बेस देगा, मतलब यहां पर कितना आ जाएगा 4/5। मीन्स मेरे पास cosec था, मैंने उसको किस में बदल दिया, 10 में। कैसे बदला, इस तरीके से, ठीक है। अब बस इसमें अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करने के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला जो यहां लिखा हुआ है। तो देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, 10 inverse 1/9 प्लस 4/5 अपॉन में 1 minus 1/9 इंटू 4/5। 10 inverse इसका एलसीएम लेंगे, इट इज 45 एंड 5 प्लस 36 मल्टीप्लाई, मैं हाथों हाथ इसको कैलकुलेट करके रेसिप्रोकल भी कर रहा हूं, देन इट विल बिकम 55 अपॉन 45 माइनस 4, 10 इनवर्स 45 से 45 कैंसल, 41 अपॉन 41, ये दोनों भी कैंसल, 10 इनवर्स 1। अब याद करिए फर्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 10 की टेबल में 1 कब आता है, 10 की टेबल में 1 आता है 10 π/4 पे, तो 10 से 10 भी कैंसिल, π/4 बचा, और वही मुझे प्रूव भी करना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही हमें इसको चेंज करना होता है, तो ये क्वेश्चन देखा जाता है, एनटी भी है, पूछा भी जाता है, तो आपको आना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें 2 10 inverse 1/3 10 inverse 1/7 है। यहां पे एक बात ध्यान रखिए, आप इनमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 10 इनवर्स का आगे क्या है, 2 है, तो जब तक ये 2 नहीं हटेगा तब तक ये 10 इनवर्स का फॉर्मूला इसके साथ नहीं लगेगा। अब अपन ने फॉर्मूले में देखा था कि 2 10 inverse x का एक फॉर्मूला होता है, वैसे इसके तो 3 फॉर्मूले हमने देखे, लेकिन 3 फॉर्मूले में से जो 10 की टर्म में है हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, और वो फॉर्मूला क्या होता है, 10 inverse 2x अपॉन में 1 minus x square। तो अगर आगे 2 है तो वो कहां चला जाएगा, पीछे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं केवल इसी की बात करूं या मैं यहीं पे लिखते हुए करता हूं इसको, तो ये जाएगा 10 inverse 2 multiply 1/3 अपॉन में 1 minus 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 10 inverse 1/7। क्लियर है। अब 10 inverse 2/3 9 by 9 minus 1 means 8, ये 3 से कैंसिल, यहां पे आ जाएगा 3, 2 से ये कैंसिल, ये जाएगा 4 प्लस 10 inverse 1/7। वी हैव फाइनली 10 inverse 3/4 एंड 10 inverse 1/7। अभी हमारा ये आंसर नहीं आया, अभी हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और π/4 लाना है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो अभी तक हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 inverse 3/4 प्लस 1/7 अपॉन में 1 minus 3/4 इंटू 1/7। फिर नेक्स्ट स्टेप 10 inverse 28 21 plus 4 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 28 minus 3, 10 inverse 25 upon 28 इंटू 28 upon 25। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 10 inverse 1 और 10 inverse 1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, π/4। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जितने क्वेश्चन देखे, फॉर्मूले बेस्ड फॉर्मूले आपने देखे, वो फॉर्मूले अच्छे से याद करिए उनको। पर अभी मैंने कुछ क्वेश्चन बताए, कुछ क्वेश्चन अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर बताऊंगा। तो आज के लिए इतने ही रहते हैं, थैंक यू।